सकता है। पहला मंदिर माता और पिता का, दूसरा मंदिर गुरु, तीसरा मंदिर जहाँ भगवान की पूजा होता है, भोग लगता हो, राग होता हो, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जहाँ देवी और देवता स्थापित करके छोटे बड़े कोई भी मंदिर हो वहां जाने से, ये तीन जगह जाने से संस्कार मिल सकता है। तो प्रयास करके, प्रयत्न करके जरूर अपने बच्चों को, जरूर माता पिता को परम कर्तव्य है कि संस्कार जरूर दोगे, संस्कार नहीं दोगे तो वृद्धाश्रम में पाए जाओगे, और वृद्धाश्रम में जाने के बाद बहुत कष्ट होगा। एक माँ मुझको मिल गई, एक दिन ऐसे ही हनुमान मढ़ी के सीढ़ी पर कम्बल वितरण का कार्यक्रम था, मैंने देखा एक माँ बहुत तेजी से घूंघट काढ़े हुए कम्बल नहीं ले रहे थे, तो लगा क्या भीख मंगेंगे, तो भाई ने नजरअंदाज किया, हमने कहा ले ले माँ, ले ले माँ, बोली नहीं चाहिए हमको कम्बल नहीं चाहिए। फिर एक दिन किसी बच्चे का जन्मदिन था, बोला गुरु जी मैंने कुछ भोजन बना के लाया, आपके हाथों से मैं सीढ़ी पर बांटना चाहता हूँ। हमने कहा चलो, फिर मैं गया, फिर उस दिन वो माँ ने मिली, हमने कहा माँ तुम कुछ लेती नहीं, कुछ मांगती नहीं, सीढ़ी पर क्यों बैठी है तू, बोली ही नहीं। हमने कहा क्या बात है भाई, तो फिर एक लालसा जगी, मैंने प्रयत्न किया। फिर तीसरे दिन एक दिन ऐसे ही मैं जा रहा था, वो बैठी मिल गई, घूंघट काढ़ी थी, शकल नहीं दिख रहा था, बगल में बैठ गया, बोला अरे बाबा जी क्यों परेशान कर रहे हो, पूजा पाठ करने दो, क्यों त्रस्त किए हो। हमने कहा नहीं माँ तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, कोई कुछ देता है तो लेती नहीं, सीढ़ी पे बैठी कहाँ से आई हुई। रोने लग गई, कहीं बेटा पूछो मत। हमने कहा क्या हो गया माँ, बोले भगवान की बड़ी कृपा है, मैं एक बहुत ही बड़े अधिकारी की पत्नी थी, अभी एक वर्ष पहले हमारे पति खत्म हो गए, मेरा बेटा डॉक्टर है अमेरिका में रहता है, मेरी बेटी साइंटिस्ट है अमेरिका में रहती है, एक बेटा और एक बेटी है, बम्बई में अरबों रुपया का मकान था। बेटा ने कहा कि माँ तुम अकेले यहाँ रहती हो, तुमको अमेरिका हम लोग ले चलते हैं, चलो अयोध्या घुमा कर लाते हैं और तुमको अमेरिका लेके चलेंगे। बड़ी प्रसन्नता हुई, बच्चे के बिना माता पिता का मन तो लगता नहीं है, बच्चे के लिए परेशान, बच्चे धिक्कारे, कुछ भी बोले कोई बात नहीं, बेटा है बेटी है उससे भी नहीं हुआ, फिर नाती है पोता है उसमें माता पिता लग जाते हैं, लालच उनकी माता पिता का कम नहीं होता है, पहले बेटा और बेटी के प्रति मोह होता है, जैसे बेटा बेटी शादी विवाह हो गया, बड़े हो गए, फिर नाती पोता के प्रति परेशान रहती है, खूब 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 सेवा करने के लिए, भले पता हुआ एक डंडा मारे कोई दिक्कत नहीं है, नाती खिलाने में परेशान रहती है, कोई गलत नहीं है, लगी रहती है माता पिता। तो वो लाया अयोध्या, अयोध्या लाने के बाद जैसे हनुमान गढ़ी सीढ़ी पे चढ़ा, ऊपर उस माँ को छोड़ दिया, बोला माँ मैं प्रसाद भूल गया था, प्रसाद लेके नहीं आ पाया था, तुम रुक जा, यही रुकी रहना, कहीं जाना मत, मैं प्रसाद लेके आ रहा। और वो क्या भाई विशाल जी ठीक हूँ, वो वैसे ही बस माँ जो है वही खड़ी की खड़ी रह गई, और बेटा गया तो वापस नहीं आया, बेटा गया तो वापस नहीं आया, वो माँ को हनुमान गढ़ी छोड़ दिया और वापस चला गया। तो हमने कहा, तो बोले कि बेटा उसको खूब आशीर्वाद है बेटे और बेटी को, बेटे पता किया मैंने नंबर मोबाइल वो रखी हुई थी पास में छोटी सी, वो बोले किसी पड़ोसी से बात किया हमने, मैं नहीं बताया, मैंने उस पड़ोसन से बात किया, पड़ोसन जो बर्तन मलने के लिए आया करती थी, वो जब गई उसके घर में बर्तन मलने के लिए तो पता चला कि उसका मकान तो बिक चुका है और मैं अमेरिका आ गई हूँ। तो हमने कहा तुम तो हिंदुस्तान में हनुमान मणि पे भीख मांग रही हो, कहीं कि हाँ बेटा भागशाली हो, कम से कम हनुमान गढ़ी लाकर अयोध्या में छोड़ा, हो सकता था जहर दे देता, हो सकता था कहीं ढकेल देता, कम से कम इतनी तो कृपा परमात्मा ने की, अयोध्या ले आकर छोड़ा, और भी कहाँ छोड़ा, हनुमान गढ़ी में छोड़ा। दिन भर कोई तकलीफ नहीं होती बेटा, खाने भर मिल जाता है, और किसी पेड़ के नीचे किसी दुकान के किनारे सो करोड़ जीवन यापन कर लेते। सभी कथाकार से मैं निवेदन पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि कथा के साथ साथ पार पर्व परमात्मा की, भगवान की वो लीला, वो रूप, वो गुण को बताते हुए प्रयास
करना चाहिए कि समाज में घटने वाली घटनाओं पर कैसे रोक लगे, समाज कैसे ठीक हो। जब हिंदू बचेगा तभी हम साधु माने जाएंगे। आप आज तो रविदास को पाकिस्तान में नहीं बुलाता, आज इनको कोई अफगानिस्तान में कथा के लिए नहीं बुलाता। बुलाया कोई अफगानिस्तान में आपको कथा के लिए? नहीं ना, हिंदुस्तान में ही आपको बुलाया जाता है, इसलिए क्योंकि हिंदू हैं। तो ये सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से जो हम लोग बैठे हैं, ग्रसित हैं, बहुत बड़े लोग हैं ये, बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति हैं ये, बहुत नीच कोटि के व्यक्ति है, इस भाव को हमको त्यागना पड़ेगा। उस भाव को हमको त्यागना पड़ेगा और त्याग कर हर व्यक्ति गर्व से कहो हम हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू है, हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं, हम सब एक हैं। यह व्यवस्था जैसे हम बाबा हैं उसी मंदिर, हनुमान गढ़ी मंदिर में कोई महंत है, कोई पुजारी है, कोई लड्डू चढ़ा रहा है, कोई गद्दी पे बैठा है, कोई चनामृत बांट रहा है, कोई भोजन बना रहा है, कोई गौ की सेवा कर रहा है ना, सबके सब बाबा ही नहीं तो दूसरा नहीं, सब के सब साधु, सब हनुमान गढ़ी में ही रहते हैं। लेकिन उसमें कोई गद्दी पे बैठा है, कोई महंत है, उसमें कोई ठाकुर जी की सेवा कर रहा है तो कोई पुजारी है, जो कोठार की व्यवस्था दे रहा है कोठारी है, जो भंडार की व्यवस्था देख रहा है वो भंडारी है, जो गौशाला की व्यवस्था देख रहा है वो गौसेवक है, जो झाड़ू बहारू का काम देखता है, साफ सफाई का काम देखता है वो सेवक है। सब तो साधु ही है, सब तो मंदिर में ही रहता है। इसी प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति है, हम सब एक हैं, एक पिता के पुत्र हैं, हम सब एक उन महापुरुषों के संतान हैं। व्यवस्था बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, पूर्वाचार्यों ने, जो भी रहा होगा, जैसे भी व्यवस्था रही होगी, जो देश काल रहा होगा, परिस्थिति रही होगी, उसके अनुसार लोगों ने कार्य और काम किया। हाँ, इस बीच में कुछ खड़ियनकारियों ने सनातन को बांटने के लिए खूब 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 हम और आपको जातियों में बांट दिया, खूब बांट दिया, खूब 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 बांटा, इतना बांटा है, इतना बांटा है कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं से जातियों से इतनी परेशान और त्रस्त है जिसका जवाब नहीं। अरे फलाना तो जाति का, अरे फलाना बहुत ऊंचे जाति, अरे फलाना बहुत नीचे, दूर चल दूर चल, हाट हाट छू दिया, अरे नहा लो छू दिया। गजब बात करते भाई, हम सब मानव, हम सब मनुष्य, हम सब हिंदू हैं, हम सब एक ही भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, भगवान परशुराम के, भगवान बुद्ध के सब बच्चे, कोई बाहर से नहीं आए, हम सब एक हैं। इस भाव के साथ हर व्यक्ति को, सनातनियों को, हिंदुओं को एक साथ रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, है ना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आपका हमने समय लिया, देश के इसकी समय लिया, मैं पूज्य महंत जी को पूरा साधुवाद देता हूँ। आप सभी राम भक्तों को, सभी सनातन